डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म परिषद एवं श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है रामचरित मानस के अमर पड़ेता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि अयोध्या के समीप गोंडा जनपद के सुकर खेत स्थित सरजू तट राजापुर में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के अधिगृहित भूमि में उनके नाम पर गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये आप सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से 500 वर्षों से तुलसी जन्मभूमि पर अनेक अनेक विवाद चल रहे थे, लेकिन बुद्ध यूनिवर्सिटी के स्तर पर विद्वानों के स्तर पर जो किया गया तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सोकर खेत गोंडा में उनके पिता के नाव 45 बीघा आत्माराम टपरा भूखंड आज भी विद्यमान है। वहाँ दुबे लोग श्राद पिंडदान तर्पण करते हैं। पास में 5 किलोमीटर की दूरी पर गुरु नरहर दास का आश्रम पसका सोकर खेत में विराजमान है। तीर्थराज प्रयाग की तरह अयोध्या में सोकर खेत में गोंडा के सोकर खेत में पौष मास में 1 माह कल्पवास सोकर खेत मेला लगता है, जहाँ कल्पवासी दूर दराज के लोग आते हैं। और बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास का ननिहाल दझोलपुन दहोरा बहराइच था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्षों तक वेद वेदांत व्याकरण न्याय दर्शन का अध्ययन किया और अपनी बाद में पर्यटन के बाद सही साधना में लग गए और अयोध्या में 76 वर्ष की अवस्था में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में सरजू के किनारे बैठकर रामचरित मानस की रचना की। इस तरह से करीब 126 वर्षों तक गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन रहा। और तो हम लोगों की यही विचारधारा है कि जिस प्रकार से अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, सहारनपुर में माँ शाकम्भरी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय और अम्बेडकर नगर में सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो तुलसी के सम्मान में, चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर सोकर खेत गोंडा है, उन्होंने रामचरित मानस का प्रणयन करके भारत ही ने समस्त विश्व को उपकृत किया, इसलिए उनके सम्मान में उसके पास ही चूँकि ये विश्वविद्यालय की भूमि है, इसलिए विश्वविद्यालय का नामकरण गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय किया जाए। ये है। और उस विश्वविद्यालय में वेद वेदांत व्याकरण दर्शन वैदिक वाङ्मय और आज का जो अध्यात्म और विज्ञान समस्त विषयों का वो हो और उसमें देशांतर के सभी विद्वान पर्यटक और जो लोग आते हैं अध्ययन करें पर्यटन करें और तुलसी के स्वरूपण रूप यह विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय बने कि जैसे आजकल लोग जैसे पहले के ज़माने में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस प्रकार से भारत में गोस्वामी तुलसीदास की के पहचान में गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय बने जो संकीर्णता से रहित और लोग इसका अध्ययन अध्यापन कर सकें। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।